खबर अंबेडकरनगर जनपद से, जहां थाना जलालपुर अंतर जनपदीय एटीएम बदलकर जनता का पैसा उड़ाने वाले सातिर वांछित अपराधी धर्मेंद्र राजभर व विशाल राजभर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, अंबेडकर नगर के थाना जलालपुर पुलिस टीम व स्वाट पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय ऑनलाइन फ्रॉड व एटीएम बदलकर धोखाधड़ी के साथ जनता का पैसा हड़पने वाले दो अभियुक्तों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ धर्मेंद्र राजभर पुत्र सुमिरन राजभर निवासी करुई थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ व विशाल राजभर पुत्र रामजतन निवासी सुरहन मार्टिनगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को हैदराबाद बाजार थाना जलालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि स्वैप मशीन व अन्य मशीनों का इस्तेमाल करके किसी ऐसे व्यक्ति को टारगेट करते थे जो एटीएम से पैसा निकालने में असमर्थ होते थे। उनकी मदद करने के बहाने वो उनका एटीएम DX5 मशीन द्वारा एटीएम को स्कैन करके उसका सारा डेटा कॉपी कर लेते थे। पीड़ित को पता भी नहीं चलता था, फिर ये डेटा को लैपटॉप में डालकर MSR मशीन में ट्रांसफर करके एटीएम कार्ड का क्लोन बना के पीड़ित का सारा डाटा एटीएम में ट्रांसफर करके इस कार्य को अंजाम दिया करते थे। जिनके पास भारी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैश, एक अदद लैपटॉप, एक अदद स्कैनर मशीन, 8 अदद अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड व 52,000 रुपए नगद उनके पास से बरामद हुआ, जिनके खिलाफ थाना जलालपुर में अभियोग पंजीकृत था। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। अम्बेडकर नगर जनपद से मोहम्मद इसराइल की रिपोर्ट। मामला क्या है? ये हमारी स्वाट टीम के द्वारा और जलालपुर पुलिस के संयुक्त अभियान में हम लोगों ने दो साथी अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जिनके द्वारा इस जनपद में और आसपास के कई जनपदों में एटीएम कार्ड बदल करके और उससे रुपया निकाल करके जालसाजी से इस तरह का कृत्य करने की घटना की गई। इस जनपद में इनके खिलाफ दो मुकदमे सामने में लिखे गए हैं। दो अलग अलग केसेस में उन्होंने रुपये निकाले हैं और अन्य जनपदों से भी जानकारी की जा रही है जहाँ पर इनके द्वारा इस तरह की घटनाएं की गई हैं। इनका अपराधी के इतिहास में निकाला जा रहा है और इनके कब्जे से जो बरामदगी की गई है वो एक लैपटॉप है, एक स्वाइप मशीन है, 8 ATM कार्ड्स हैं, 52,000 रुपये हैं और अन्य इस तरह के उपकरण बरामद किए गए हैं जिनसे ये कार्ड को पुराने कार्ड को नए कार्ड में तब्दील करते थे। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो उसका खुलासा इसलिए आवश्यक है ताकि आम जनता को भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो सके। ये किसी भी ATM के केबिन में जाकर के वहाँ ऐसे प्रोफाइल के लोगों का वेट करते थे जो बहुत ज़्यादा जो जिनकी वाकफियत नहीं है, जो ATM से बहुत पैसा नहीं, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसको असिस्ट करने के नाम पर उसका ATM कार्ड वो एक सेकेंडली ले करके अपने स्वाइप मशीन में उसको उसका डेटा कॉपी कर लेते थे। इनके पास पहले से दूसरे ATM कार्ड पुराने रहते थे, वो डेटा कॉपी करके फिर इन्होंने वो कार्ड उनको वापस कर देते थे जिससे वो अपना पैसा निकाल के चला जाता था। कई बार वो उसका पिन वगैरह भी साइड से देख लेते थे कि क्या पिन वो प्रेस कर रहा है। ये करने के बाद जब उसका डेटा इन्होंने अपने स्वाइप मशीन में ले लिया, तो DVX मशीन कहते हैं जिसको, उसको ले जा करके अपने कंप्यूटर में उसको पूरी कॉपी करते थे। इनके पास सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर के मार्फत वो सारा डेटा वो नए कार्ड में एक मशीन के जरिए वो ट्रांसफ़र करते थे और किसी दूसरे व्यक्ति के डेटा को यूज़ करके वो पुराने ATM कार्ड को नए ATM कार्ड में तब्दील करके फिर उस ATM कार्ड को यूज़ करते थे और जिसका डेटा उस ATM कार्ड में होता था उसके अकाउंट से पैसे निकालने लगे। इस तरीके से करके उन्होंने काफ़ी पैसे कई लोगों के अकाउंट से निकाले हैं। इस जनपद में दो घटनाओं का पता चला है, इसमें मुकदमा लिख करके हमने उनकी गिरफ्तारी की है और इनके कब्जे से 52,000 रुपये और ये तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं। पूछताछ करके इसमें और भी जानकारी की जा रही है।